एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं पक्का होना चाहे तो पक्के के संग खेल, कच्ची सरसों पेर के खली होए न तेल। चाइना की मीडिया अब कनाडा के ऊपर नाराज हो रही है। भारत और चाइना दोनों से पंगे लेकर तुमने ठीक नहीं किया है। जानेंगे चाइना की मीडिया ऐसा क्यों छाप रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना को लेकर आईएमएफ ने चेताया, अब भूल जाए चाइना, पहले वाली बात नहीं है। तो वहीं वर्ल्ड बैंक ने क्यों कहा भारत को लेकर कि अब तो भारत को रोकना मुश्किल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कनाडा और भारत का विवाद ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कनाडा के जस्टिन ट्रूडो ने चुनाव के समय भारत के साथ पंगे करने की कसम खा रखी है। अब यहाँ पर ये लगभग चौथी पांचवी बार ये सामने आ चुके हैं और ये कुछ न कुछ आरोप लगा ही रहे हैं। जैसे कि अब इन्होंने भारत के ऊपर आरोप लगाया और कहा कि भारत यहाँ पर गैंगस्टर्स को, ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग को भी सपोर्ट करता है, हम तो वन इंडिया पॉलिसी का समर्थन करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो चीजें चल रही है वो सही नहीं है। अब यहाँ पर भारत ने इसका आंसर क्या दिया है, भारत ने कहा है कि हमने आपसे 26 बिश्नोई गैंग के मेंबर्स को कहा कि डिपोर्ट करो, लेकिन आपने अभी तक उन्हें डिपोर्ट नहीं करा है। हम आपसे लगातार डिपोर्ट करने को कह रहे हैं पर इस मामले में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब वहीं पर चाइना की मीडिया ने इस मामले में एंट्री ली है, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को आप देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है, दो एक्सपर्ट का हवाला दिया है और इन्होंने कहा है कि कनाडा जो पॉलिसी चल रहा है ना, इस पॉलिसी में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो बुरी तरीके से फेल हो गए हैं। यहाँ पर आसियान के समिट में कनाडा के जस्टिन ट्रूडो आए तो थे और वो ये जताना चाहते थे कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उनका भी एक अहम रोल है, उनका भी किरदार है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने किया है वो कहीं से भी सही नहीं लग रहा है। इन्होंने ये भी कहा कि जस्टिन ट्रूडो की नीतियां ऐसा लग नहीं रहा है कि फायदे वाली है कनाडा के लिए। जैसे कि 2018 में इन्होंने चाइना से पंगा ले लिया और चाइना के हुआवे के एक टॉप के अधिकारी को अरेस्ट कर लिया। हालांकि ये मामला सलटा तो फिर कनाडा में ये बात आने लगी कि चाइना का इंटरफेयर है। तो वहीं दूसरी तरफ अब उन्होंने एक बार फिर से भारत से भी रिश्ते को कुरेद दिया है। अब इनका कहना है कि अगर आप भारत से रिश्ते को कुरेद रहे हो या चाइना के साथ रिश्तों को कुरेद रहे हो, तो इससे आपको हिंद महासागर क्षेत्र में दो बड़ी प्रमुख शक्तियों के साथ आप भिड़ने को तैयार हो, ये कहीं से भी आपकी पॉलिसी के लिए सही नहीं है। ये कहा गया कि जिस तरीके से ये सोच रहे हैं, जिस तरीके से ये चल रहे हैं, इसका फायदा नहीं होने वाला है और ये कनाडा को, अगर सोच रहे हैं कि कनाडा को स्थापित करेंगे एक अच्छी शक्ति के रूप में, तो ये एक टोटल फेल्योर है। स्टीफन नेगी, जो कि पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल स्टडीज टोक्यो के इंटरनेशनल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने भी यही कहा कि जो एम बना कर आए थे ट्रूडो, वो एम बुरी तरीके से फेल नजर आ रहा है। आपको बता दूं, जेफरी रीव, इन्होंने, ये जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं नॉर्थ अमेरिकन थिंक टैंक के, उन्होंने कहा कि इन्होंने यहाँ कर पीएम मोदी से बातचीत की, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि कनाडा ये बातें कह रहा है पर कनाडा के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, न तो चाइना और न ही भारत कनाडा को बहुत ज्यादा सीरियस लेंगे अगर उनके पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो हिंद महासागर क्षेत्र में कनाडा कोई बहुत बड़ा योगदान नहीं कर रहा है और फिलहाल के लिए जो इनकी पॉलिसी चल रही है ये टोटल फेल्योर साबित हुई है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात हो रही है कि इनके ऑपोजिशन के लोग भी अब इनके खिलाफ उठ रहे हैं। इन्होंने वियोन में एक खबर देख सकते हैं, ऑपोजिशन का एक टॉप फिगर है, इन्होंने अब प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के ऊपर एक आरोप लगाया है और इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल गेन के लिए और दूसरे इशू से ध्यान हटाने के लिए वो इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। मैगजीन बर्नियर ने ये कहा है कि निज्जर कोई नहीं था, निज्जर एक बाहरी आतंकी था। इन्होंने इस बात को साफ किया है कि ट्रूडो ने अभी तक कोई यहाँ वो भी नहीं दिया है,
प्रूफ भी नहीं दिया है और उसके बाद ये सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं। तो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो अपने देश में भी इस चीज को लेकर घिर रहे हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, उन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट लिखा है कि ये जो चीजें चल रही है, ये चीजें बता रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत को लेकर वर्ल्ड बैंक ने एक बहुत बड़ी बात की है और इन्होंने बताया है, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, इन्होंने कहा है भारत का जो जीडीपी है वो एक चमकदार हिस्सा है दुनिया की अर्थव्यवस्था का। बंगा ने आगे कहा कि 6-7% या उससे अधिक की दर से विकास करने में सक्षम होना ये दिखलाता है कि उन्होंने इसके लिए कितना काम किया है। उन्होंने वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के अगले सप्ताह होने वाले वार्षिक बैठक से पहले पत्रकारों से बातचीत की। वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारत की विकास दर वैश्विक अर्थव्यवस्था का एक चमकदार हिस्सा है। मुझे लगता है कि 6-7% या उससे अधिक ही दर से विकास करने में सक्षम होना ये दिखलाता है कि उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत करी है। इसमें से अधिकांश वृद्धि भारत में घरेलू बाजार द्वारा संचालित है, ये एक अच्छा संकेत है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को जीवन की गुणवत्ता जैसे हवा और पानी की गुणवत्ता पर काम करना चाहिए। बंगा ने कहा कि हम भारत के साथ कई विषयों पर सक्रिय रूप से जुड़े हैं। मुझे लगता है कि हमें आने वाले दिनों और महीनों में परियोजनाओं के संदर्भ में अधिक परिणाम देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड बैंक के प्रबंधक निदेशक एना बजर्डे ने कहा कि बैंक विकास की नौकरियों और सतत विकास में बदलने में सरकार का समर्थन कर रही है। उन्होंने महिला कार्यबल की भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। जहां एक तरफ ये सारा वर्ल्ड बैंक कह रहा है भारत के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ ने चेताया है चाइना को, और आईएमएफ ने चेताते हुए कहा है चाइना को कि देखो अब वो पुराना समय नहीं रह गया है। अगर आप सोच रहे हो कि पुराने समय के अनुसार आप एक्सपोर्ट पर निर्भर रहेंगे और एक्सपोर्ट की वजह से आपको यहाँ लाभ होगा, तो वो सीन अब खत्म हो चुका है। अब आपको यहाँ पर हैंडल करना होगा अपने आंतरिक क्षेत्रों को, और हैंडल करके फिर आपको हासिल करनी होगी ग्रोथ। चाइना के लिए जो इन्होंने ये बात कही है और जो फोरकास्ट किया है, इस फोरकास्ट के बाद सबसे बड़ा टेंशन चाइना को ये हो गया है कि एक बात तो सही है कि एक्सपोर्ट को लेकर चाइना के ऊपर तरह तरह के प्रतिबंध लग रहे हैं, और बात है अपने देश के अंदर तो अपने देश के अंदर भी हालात बहुत ही ज्यादा बुरा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, आईएमएफ की जो चीफ है जॉर्जिवा, इन्होंने कहा कि चाइना अब बहुत ज्यादा निर्भर नहीं रह सकता है एक्सपोर्ट के ऊपर। इस वक्त चाइना का ग्रोथ 4% से बिलो भी रह सकता है। माना जा रहा है कि ये जो बिलो रहने की बात है, इससे उनके जो मॉडल हैं वो भी प्रभावित होंगे। हालांकि चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि चीजें ठीक हो जाए, पर ऐसा लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ठीक होगा, और कहा जा रहा है कि ये पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ असर देगा, और चाइना के अंदर अगर ये चीजें होती है तो इसका असर दुनिया भर में पड़ेगा। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।